हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम डीप फ्राई करके बनाएंगे। इसे हम बेक नहीं करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया हमारी कुकीज़ बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप घी लिया हुआ है, ये हमने मेल्ट करके इसमें लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा गरम पानी। तो यहाँ पर 1/3 कप हम इसमें पानी भी डालेंगे, ये हल्का सा गरम है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं चीनी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही चीनी ली है, तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने चीनी ली है। आप चाहें तो चीनी को पीस कर भी इसमें ले सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिलाएंगे। तो अगर आप पिसी हुई चीनी लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो आप इसे इस तरीके से करके घोल लीजिए। और क्योंकि थोड़ा सा सीज़न ठंड का चल रहा है तो अभी आप देखेंगे कि जो मेरा घी है वो हल्का हल्का सा इसमें जमने लगेगा और ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखिए घी हमारा किस तरह से ऊपर आ गया है पूरा, और जो चीनी है वो पूरी तरह से घुल गई है। तो इसी तरह का हमें जो है ये मिक्सचर चाहिए बिस्किट बनाने के लिए। और अब हम इसमें डालने वाले हैं यहाँ पर फाइन चॉप्ड किए हुए ड्राई फ्रूट। कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक करके हमें इसमें डालना है। और यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाले तिल के दाने लिए हैं, इसे हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और अब हमने इसमें डालना है इलायची का पाउडर या फिर इलायची का एसेंस। मैं यहाँ पर इलायची का एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर हम आटा जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे। इस पूरी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 कप आटे का यूज़ किया है। तो हमें इन सबको अच्छी तरह से मिलाना है। और अभी मैंने शुरुआती में 1 कप आटा डाला है, तो हम इसको मिक्स करके देखेंगे कि इसके लिए कैसा हमें आटा, इसके लिए हमें और कितना आटा लगेगा। और हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसका जो बैटर है, आटे का जो डो का बैटर है वो बिल्कुल पकौड़े के जैसा है। हमें इतना लूज़ बैटर नहीं चाहिए है बिस्किट बनाने के लिए। तो इसमें हम धीरे धीरे करके आटा गेहूँ का और ऐड करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी रेसिपी में मैंने 2 कप आटे का यूज़ किया है। और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो जिस हिसाब की मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ये एकदम परफेक्ट है। बिस्किट अच्छी सी मिठास भी बनेगी और बहुत ही अच्छा भी बनेगा। तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरा डो है वो अच्छी तरह से लग गया है। और इसी तरह का हमें डो चाहिए है, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से सेमी सॉफ्ट डो हमने बना करके तैयार कर लिया है। और अब हम चलते हैं कुकीज़ बनाने की ओर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पार्ट जो है कुकीज़ का वो ले लिया है। और अब हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से पहले मसलना है और इसकी एक लोई बना लेनी है। तो इस तरीके से हमने इसकी एक लोई बना ली है। और इसे हम पहले फर्स्ट टाइम ऐसे ही बेलेंगे जैसे कि हम चपाती को बेलते हैं। तो बेलन पे हल्का सा तेल लगा लिया है मैंने, अब हम इसे बेलेंगे जिस तरह से हम चपाती को बेलते हैं। और इसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है ताकि हमारी कुकीज़ में अच्छे से जालियाँ पड़े। तो इसको मैंने 3 बार इसी तरह से फोल्ड किया है, बिल्कुल जैसे पराठे को हम लोग फोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही फोल्ड किया है। और इसे हम इस तरह से बेलेंगे और एक बार इसे हम और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुकीज़ है वो बहुत ही खस्ता बनेंगी और बहुत ही अच्छी बनेंगी। और इसके बाद हम इसे कुकीज़ कटर से या फिर किसी बॉटल के ढक्कन से कट कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे चाकू से काट सकते हैं। चौकोर पीस में भी इन कुकीज़ को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुकीज़ कटर ले लिया और इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी मोटाई हमें कुकीज़ की रखनी है। तो देखिए इतनी इस हिसाब से हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी या पतली नहीं रखनी है। आप वीडियो में अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह की रखनी है कुकीज़। तो झटपट से बनने वाली कुकीज़ हमारी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई हैं। अब हम आगे इन्हें डीप फ्राई करेंगे, इन्हें हम बेक नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल खस्ता एकदम बढ़िया बनेंगी कुकीज़। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप इन्हें बना करके ऐसे बहुत देर तक मत रखिएगा, इन्हें तुरंत ही डीप फ्राई कर लीजिएगा।
और इस तरह से जो आटा बचा है उसका हम दोबारे से ऐसे फोल्ड करके सेम मेथड से जिस तरह हमने पहले बिस्किट्स को कट किया था वैसे ही हम इनसे भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अब हमने जो कुकीज़ बनाकर रेडी किए हैं उन्हें हम तल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म किया हुआ तेल नहीं चाहिए, हमने इसे लो फ्लेम पे आराम से गर्म किया है। और इस समय आप तेल का टेम्परेचर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, और हमने जितनी एक बार में आप डालना चाहें इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जब वो एक साथ ही कुक होंगी तो सारी कुकीज़ एकदम एक बराबर कुक होंगी और अच्छे से कुक हो जाएंगी। और देखिए ये किस तरह से फूलने लगी हैं, और हमने इसमें ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा और ना ही एग का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये कितनी बढ़िया और अच्छी से फूली फूली बन रही हैं। इसी तरह से हम इसे एकदम धीमे आंच पे या मीडियम आंच पे इन्हें तलेंगे, बहुत ज़्यादा धीमी आंच भी नहीं रखेंगे, मीडियम आंच पर आप इसे तलिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी भी कुकीज़ बन करके तैयार होंगी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी की सारी जो हमने कुकीज़ बना करके रेडी की हैं उन्हें भी हम जो है तल लेंगे इसी तरह से। तो एक एक करके हम फिर से इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ।